शिवपुरी शहर के युवराज होटल में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा 11 अप्रैल को 19वीं सदी के महान भारतीय विचारक और समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई। देश में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले ने गरीबों, महिलाओं, दलितों एवं पिछड़े वर्ग के उत्थान तथा सामाजिक जड़ताओं व कुरीतियों को दूर करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले था। उन्हें ज्योतिबा फुले या महात्मा फुले के नाम से जाना जाता था। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से पुणे आकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करने लगा था। माली के काम में लगे ये लोग फुले के नाम से जाने जाते थे। ज्योतिबा फुले का जीवन और उनके विचार व मानव कार्य आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रणधीर सिंह रावत। अच्छा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया, किस प्रकार का क्या कार्यक्रम है? पूरे देश में देश के महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मना रही है। ज्योतिबा फुले वो महान समाज सुधारक थे जिन्होंने इस देश में जो पिछड़े वर्ग के जो लोग थे, कमजोर तबके के जो लोग थे, उनमें शिक्षा का अलग जगाने का काम किया और महिला और पुरुषों का जो भेदभाव था, महिलाओं के जीवन में सुधार कैसे ला सकते हैं, उसके लिए उन्होंने इस देश में क्रांतिकारी कदम उठाए और उनका परिणाम था कि देश में सबसे पहला महिला स्कूल खुला तो उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने खोला। उनकी पत्नी स्वयं पहली शिक्षिका बनी और उस दौर में जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था, उस दौर में समरसता का भाव पैदा करने का काम ज्योतिबा फुले जी ने किया था। आज उनकी जयंती भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने शिवपुरी मनाई है। आज पिछड़ा वर्ग मोर्चे के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उनकी जयंती मना रहे हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग मोर्चे को कुछ अभियान दिए हैं, उसकी समीक्षा भी आज यहाँ पर हुई। उसका आग्रह भी किया है कि आने वाले समय में पिछड़ा वर्ग मोर्चा गाँव गाँव जाएगा और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने पिछड़ा वर्ग समाज के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, पिछड़ा वर्ग के जीवन में उत्थान लाने के लिए जो कार्यक्रम बनाए, उनकी जानकारी देना, वो जानकारी लेकर के अलग जगाने का काम करेंगे। दूसरा, कांग्रेस जो लंबे समय से इस देश में पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह करती रही, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए वो कार्यक्रम नहीं किया, पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों का अपमान करती रही, वो सारी बातें भी पिछड़ा वर्ग मोर्चा गांव-गांव जाकर गांव-गांव चलो घर घर चलो अभियान के अंतर्गत हम लोग चलाएंगे। और आज हम सब कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है कि सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को लेते हुए भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प, इसको लेकर के हमको गाँव में काम करना है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हमको हर क्षेत्र में करना है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चे का एक कार्यक्रम में हम सब सम्मिलित हुए हैं और पिछड़ा वर्ग मोर्चे के सभी कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ अपने अपने क्षेत्र में जाने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।